ये है हमारा घर का मेन मेंबर, बड़ा भारी है यार, इसको करते हैं फिट, फिर हम आपको बताते हैं। हाय गाइस, कैसे हो आप सब, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस आई होप कि आप सब ठीक होगे। तो गाइस आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कुछ मॉडिफिकेशन जो हमने अपनी बाइक में करी हुई है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं जल्दी जल्दी, तो आओ चलो चलते हैं। तो गाइस आप सोच रहे होंगे मैं साइड गिरे क्यों मुड़ा, मैं उधर गिरे क्यों नहीं मुड़ रहा। तो गाइस ये रही हमारी मॉडिफिकेशन। तो गाइस ये है हमारा घर का मेन मेंबर बंस, इसका नाम बनी है। तो गाइस इसका नाम है बनी, ये देख लो इसकी हरकतें। तो गाइस ये हमने मॉडिफाई करवाया हुआ है। तो गाइस मैं इसको ऊपर छोड़ के आता हूँ, बाबू चलो भाग गया। तो गाइस ये हमने फिट करवाया हुआ है एग्जॉस्ट एक्रोपोवाइस का, जो पहले भी इस पे लगा हुआ था बाइक पे मेरी, ये देखिए गाइस ये लगा हुआ था। तो गाइस ये मैंने पहले भी फिट करवाया था और ये निकाल दिया हुआ था, तो गाइस ये मैंने वापस से फिट करवाया हुआ है बाइक पे। तो गाइस जब मैंने ये फिटिंग करवाई हुई थी उस टाइम पे मैं ब्लॉग नहीं बना पाया था जस्ट फॉर अ रीजन। तो गाइस मैं अभी आपको वीडियो और अभी गाइस मैं इसका ब्लॉग इसलिए बना रहा हूँ मैं ताकि आपको इसकी आवाज़ सुना सकूँ डीबी क्लियर के साथ और विदाउट डीबी क्लियर दोनों के साथ मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। तो गाइस अगर आपने मेरी पुरानी बड़ा भारी है यार। तो गाइस अगर आपने मेरा पुराना ब्लॉग देखा होगा तो उसमें जो लास्ट वीडियो अपलोड हुई है तो वो इसी से रिलेटेड थी कि मैंने यहाँ पर भी क्लंप लगाया हुआ है और यहाँ पर भी क्लंप लगाया हुआ है, दोनों साइड पे क्लंप है। तो गाइस इसका एक बेनिफिट भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस इसका बेनिफिट ये है कि आप जब चाहे मर्जी अपना जो एग्जॉस्ट आपने लगाया होगा वो निकाल भी सकते हो और वापस लगा भी सकते हो। तो गाइस ये कंपनी फिटेड इसका साइलेंसर है बाइक का। तो गाइस इस पे इस साइड क्लंप लगाना और इस साइड पे क्लंप लगाना मतलब अपने आप, अगर आपके पास जो मर्जी बाइक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने अगर अपनी बाइक पे एग्जॉस्ट फिट करवाना है तो अगर आप बार बार मतलब कि ऐसा नहीं चाहते हो कि आप एग्जॉस्ट भी लगाना चाहते हो और अपना जो कंप्लीट फिटेड साइलेंसर है वो भी कहीं अगर आप लॉन्ग टूर पे जा रहे हो तो आप वो भी यूज कर सकते हो। तो गाइस इन दोनों को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिटिंग लेनी पड़ेगी तो दोनों साइड की क्लंप की, जो यहाँ पे भी क्लंप आपने अगर मेरा पुरानी वीडियो देखोगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा, पुरानी साइड दोनों साइड पे क्लंप चाहिए इसको, इधर पे भी क्लंप चाहिए और इधर पे भी, यहाँ पे भी जो यहाँ पे साइड है ये चीज भी क्लंप है। तो गाइस ये जो है ये आपको अपने तरीके से या अपने हिसाब से पूरा फिट करवाना पड़ेगा, ये पूरी फिटिंग आ जाए इसमें। तो गाइस ये देखो अभी मैं आपको ये लगा के नहीं दिखा सकता, पर जब लास्ट अगर मैं कुछ टाइम के बाद है जब भी एग्जॉस्ट निकाल के ये फिट करूंगा तो तब मैं आपको बता दूंगा कि किस हिसाब से फिट करवाना है। तो गाइस ये जो साइलेंसर है बड़ा गंदा है, छी छी मेरा ही सा ये, सॉरी। तो गाइस ये क्लंप लगाया हुआ है, ये आप देख लो एक बार, ये क्लंप लगा था पिछली वीडियो में आपको मतलब पूरा बता लग जाएगा कि मतलब कैसे कैसे लगाया, कैसी फिटिंग थी इसकी। तो ये क्लंप लगाया हुआ है और ये इसके साथ इजीली फिट हो जाता है कि जब चाहे मर्जी मैं निकाल सकता हूँ और जब चाहे मर्जी मैं लगा सकता हूँ, इसलिए मैंने ये करवाया इसके साथ। अगर आप चाहे तो आप भी करवा सकते हो, पर आपको ये पूरा मतलब प्रॉपर फिटिंग और इसका साइज मतलब मेजरमेंट करके पूरा वो करना पड़ेगा। अरे कहना क्या चाहते हो। तो गाइस आपको इसका पूरा मेजरमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको फिट कर सकते हो। तो गाइस ये तो होगी एक चीज, हमने एग्जॉस्ट फिट करवाया, हम आपको इसकी आवाज अभी सुनाते हैं। उससे पहले हम आपको एक छोटी सी चीज दिखा देते हैं। गाइस ये देखिए, तो गाइस ये छोटे छोटे सीना मैंने खुद बनाए हुए हैं, तो अभी मैं इनको भी फिट करके बताता हूँ आपको। तो गाइस ये मेरे घर पे बनाए हुए हैं, ये छोटे छोटे सीन यहाँ पे लगा हुआ है, जब तक इसको मारूंगा भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया। तो गाइस अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट करके बता दें, तो इससे रिलेटेड वीडियो भी आ जाएगी कि इनको कैसे बनाना है, कैसे नहीं गाइस भाग रहा है, समझ रहे हो आप। तो गाइस अगर इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट करके बता देना, तो मैं इसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। पहले हम मैं आपको बता दूंगा कि कैसे बनाते हैं कैसे नहीं। तो गाइस इसको करते हैं फिट, फिर हम आपको बताते हैं। तो गाइस अगर आप इसको इनको ओपन करना चाहो तो ओपन भी कर सकते हो, ये देखो ऐसे, मतलब अगर आप इनको ओपन रखना चाहते हो ये ओपन भी रह लेंगे गाइस ऐसे।
तो गाइज अगर आप ओपन रखना चाहते हो ओपन भी रख सकते हो, क्लोज रखना चाहते हो तो क्लोज करके भी रख सकते हो। ये कुछ ऐसे लग रहे हैं। तो गाइज हम अब टाइम नहीं करते हैं, हम आपको सुनाते हैं एग्जॉस्ट की आवाज। तो आइए गाइस, अभी ये डीबी व्हीलर के साथ है, मैं इसका थ्रॉटल लेके आपको बताता हूँ इसकी आवाज कैसी है। एक बार आवाज सुन लेता हूँ। गाइस अब मैं आपको विदाउट डीबी व्हीलर की आवाज सुनाता हूँ, पहले मैं इसका डीबी व्हीलर निकालता हूँ। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो गाइस ये डीबी किलर निकाल लिया मैंने, ये डीबी किलर रहा इसका। ये लगा के कुछ ऐसी आवाज होती है, इसको निकालने का कुछ ऐसी आवाज है। तो गाइस अब मैं आप इसकी आवाज सुन लो एक बार। बताना कि आपको इसकी आवाज कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। अभी हम इसको वापस एडिट कर लेंगे। तो गाइस करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नए ब्लॉग में। अगर आपको गाइस आज का ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो गाइस हमारे बन के जल्दी से जल्दी करा दें। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।